हेलो बालको, आप सभी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है आपके दिमाग को अधिक विकसित करना और आप ये समझ सकें कि किसी कंपटीशन में बैठने के लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। इस प्रतियोगिता में हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्न रखे हुए हैं, जिसमें से आपके नॉलेज का जो इन्हेंसमेंट होगा वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको भारत की संस्कृति से जोड़कर वर्तमान तक के जो भी परिवर्तन है, सब कुछ सोच विचार कर पेपर बनाया गया है। तो इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, ठीक है। अब मान लीजिए 27 अगस्त को पेपर, हम लोगों ने पेपर बना लिया है, 27 अगस्त को आपका पेपर होगा भी, तो इसमें करना क्या है आपको, बस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और आपको टिक करना है। भारत में नोबेल पुरस्कार पहले किसको मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, या सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न किसको मिला, पद्म विभूषण किसको मिला, प्रथम बार किसको मिला है, इस पर विशेष ध्यान दें। उत्तर प्रदेश का बेटा आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, मतलब आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में कौन सा मंदिर बड़ा, कौन सी नदी बड़ी, कौन सा एरिया सबसे छोटा बड़ा है, कितने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, उन सब का विशेष ध्यान रखा गया है। ये सारे प्रश्न इस तरह तैयार करेंगे, भारत में कौन प्रथम है, भारत कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, भारत का कौन सा राज्य छोटा है, इस बात पे भी ध्यान देना है आपको। उसके अलावा भारत में प्रथम पुरस्कार किसको मिला, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति, और अपने वेद ग्रंथ जो हैं उन पर विशेष ध्यान दिया गया है, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितने ग्रंथ हैं, जो भी हैं उनका डाटा आपको पता होना चाहिए। तो ब्रेन ओलंपिक्स का उद्देश्य है कि आप सभी को इन सब बातों का ज्ञान रहे। अगर आप भारत की नदियों के विषय में नहीं जानते हैं, भारत के राज्य के विषय में नहीं जानते हैं, भारत की राजनीतिक सत्ता के विषय में नहीं जानते हैं, तो शायद आप बहुत कुछ छोड़े हुए हैं। तो सिलेबस कवर करने के साथ साथ इन सब बातों पर विशेष ध्यान देना है हम लोग को। हम लोग मिलेंगे 27 अगस्त को। तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयार करिए। जय हिंद, जय भारत।